हेलो फ्रेंड्स, आपका अल्टीमेट साइंस बैंड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस की अनोखी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, जो चीज़ है एंटीमैटर। साइंस और साईफाई स्टोरीज में अक्सर एंटीमैटर का नाम सुना जाता है, लेकिन यह केवल एक फिक्शनल नहीं है बल्कि असली एलिमेंट है, जिसकी खोज 20th सेंचुरी में की गई थी। तो चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। पार्टिकल फिजिक्स में एंटीमैटर मास सब्सटेंस के एंटी पार्टिकल थ्योरी का विस्तार है। जिस तरह से कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल का बना होता है, उसी प्रकार एंटीमैटर एंटी पार्टिकल का बना होता है। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वैसे ही एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एंटी इलेक्ट्रॉन और एक एंटी प्रोटॉन मिलकर एक एंटी हाइड्रोजन एटम बनता है। जब मैटर और एंटीमैटर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स के क्रिएशन की थ्योरी बिग बैंग ऐसे ही टकराव का रिजल्ट था। हालांकि आसपास के यूनिवर्स में यह नहीं मिलते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार बिग बैंग के बाद सारे यूनिवर्स में मैटर और एंटीमैटर बिखरा था। इस टक्कर में ज़्यादातर सब्सटेंस डिस्ट्रॉय हो गए थे और थोड़ी मात्रा में केवल मैटर ही बचा था, जो आसपास के यूनिवर्स में फैला हुआ था। इंटरनेशनल लेवल के स्पेस साइंटिस्ट के ग्रुप ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी गामा रे के स्पेस लैब से मिले 4 साल के आंकड़ों की स्टडी के बाद बताया है कि मिल्की वे गैलेक्सी के मध्य में दिखने वाले बादल असल में गामा रे थे, जो एंटीमैटर के पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के टक्कर से निकली थी। पृथ्वी पर एंटीमैटर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन साइंटिस्ट ने लैबोरेटरीज में थोड़ी मात्रा में एंटीमैटर का निर्माण किया है। एंटीमैटर फ्यूल के तौर पर बहुत उपयोगी होता है, लेकिन इसके फ्यूल के तौर पर बनाने की प्रक्रिया कॉस्टली है। नासा के मुताबिक एंटीमैटर अर्थ का सबसे महंगा मटेरियल है। 1 मिलीग्राम एंटीमैटर बनाने में अंदाजन $63 ट्रिलियन इतना खर्च आता है। इसको स्पेस शटल में फ्यूल की तरह भी यूज किया जा सकता है। इस वीडियो में आप एंटीमैटर के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।